नेक्स्ट जो टॉपिक है कन्वर्जन ऑफ हीट इनटू वर्क। तो बेस्ट एग्जांपल जिसमें कन्वर्जन आपको दिखाई देगी हीट की वर्क में वो है हीट इंजन। तो हीट इंजन क्या है? इट इज अ डिवाइस फॉर कन्वर्टिंग हीट इनटू वर्क। तो हीट को वर्क में कन्वर्ट करेंगे। क्या प्रिंसिपल है? इट वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो क्या है कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग किसी भी हीट इंजन की? हीट इंजन में तीन चीजों का होना जरूरी है। पहली सोर्स, यानी कि हॉट बॉडी, इसको सोर्स बोलते हैं। तो इट प्रोवाइड हीट एनर्जी फॉर कन्वर्जन इनटू मैकेनिकल वर्क। भाई सोर्स क्या है? पेट्रोल जलाओगे या कुछ भी डीजल जलाओगे, कोई सोर्स होगा जहां से हीट जनरेट होगी, सोर्स। नेक्स्ट है वर्किंग सब्सटेंस, कोई गैस है, गैस के फॉर्म में हीट एब्जॉर्ब, जो हीट एब्जॉर्ब करेगी वो गैस करेगी, हवा में कैसे हीट आएगी, तो उसका वर्किंग सब्सटेंस है। जैसे अगर आप हीट इंजन लेते हो, स्टीम इंजन लेते हो, पानी को जला आप स्टीम में कन्वर्ट करते हो, स्टीम इज अ वर्किंग सब्सटेंस, ऐसी गैसेज आर दी वर्किंग सब्सटेंस। और लास्ट है सिंक, जिसको कोल्ड बॉडी बोलते हैं, जब इंजन काम कर लेता है बची हुई हीट को वो बाहर फेंकता है। तो बाहर कहाँ फेंकता है? बाहर का टेम्परेचर अंदर के जहाँ हीट जनरेट हो रही है वो काफ़ी लो होता है, इसको सिंक बोलते हैं या कोल्ड बॉडी बोलते हैं। तो तीन चीज़ों का होना जरूरी है, जहाँ से हीट उठाई सोर्स, जहाँ पे हीट फेंकी सिंक, और किसने हीट ली? गैस। तीन चीज़ों का होना जरूरी है। और एफिशिएंसी क्या होती है किसी भी इंजन की? ईटा से रिप्रेजेंट करते हैं। एफिशिएंसी होती है एक्सटर्नल वर्क ऑब्टेंड, कि आपने एक्सटर्नल कितना काम किया, इस इंजन ने काम किया, डिवाइडेड बाय हीट एनर्जी एब्जॉर्ब फ्रॉम द सोर्स, सोर्स ने कितनी हीट एनर्जी एब्जॉर्ब की। तो इसके अंदर ईटा क्या चीज है कि क्योंकि इंजन करेगा क्या, वर्क डन आउटपुट देगा, और इनपुट में क्या लेगा? हीट लेगा। तो ये एफिशिएंसी है। तो इसमें जैसे सपोज अगर डायग्राम से बनाए तो ये सोर्स है और ये सिंक है और ये वर्किंग सब्सटेंस है। सोर्स का टेम्परेचर हमेशा पूरे चैप्टर में क्या लिखा जाएगा? T1। सिंक का टेम्परेचर हमेशा क्या लिखा जाएगा? T2। सोर्स का टेम्परेचर हमेशा हाई होगा, सिंक का टेम्परेचर हमेशा लो होगा। T1 बड़ा होगा हमेशा, T2 छोटा होगा। और ये वर्क डन क्या करेगा? और यहां लिख सकते हो इस इंजन ने क्या किया, सोर्स से हीट को उठाया Q1 और Q2 हीट को सिंक में फेंक दिया। तो कितना अमाउंट ऑफ वर्क डन किया? Q1 माइनस Q2। तो Q1 हीट ली, Q2 फेंक दी, कितना वर्क डन किया? Q1 माइनस Q2। तो वर्क डन की वैल्यू कितनी है? Q1 माइनस Q2। तो एफिशिएंसी इज वर्क डन अपॉन इनपुट। तो कितना वर्क डन किया? W। कितनी इनपुट हीट ली? Q1। तो W क्या होता है? Q1 माइनस Q2। इसको डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 1 माइनस Q2 बाई Q1। तो एक एफिशिएंसी है किसी भी हीट इंजन की, ठीक। तो ये इंजन कैसे काम करता है इसको डिस्कस करेंगे अभी हम। तो ये बेसिक ऑफ हीट इंजन है। तो टाइप ऑफ हीट इंजन में दो टाइप के हीट इंजन है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। जहां फ्यूल इंजन के अंदर ही बर्न हो रहा है, जैसे स्कूटर, कार, जो भी व्हीकल्स हैं, वो इंटरनल कंबस्चन इंजन है। पहले जमाने में होते थे एक्सटर्नल कंबस्चन, कि भाई वो जो ट्रेन में स्टीम इंजन होता है, पानी का बॉयलर रखा हुआ है अलग बाहर, वहां से स्टीम आ रही है अंदर, तो एक्सटर्नल कंबस्चन है। तो हम इंटरनल में काम करते हैं, ठीक।